सब्सक्राइब करा, लाइक करा, शेयर करा, फक्त मुक्तागिरी न्यूज बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। नमस्कार, मी विजय लासुरे, मुक्तागिरी न्यूज मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। पाहूयात आजची ही ठळक घडामोड। शेतकरी विरोधी कायदे करणाऱ्या केंद्र शासनाचा निषेध व्यक्त करीत अखिल भारतीय महाराष्ट्राचे सरचिटणीस तथा महाराष्ट्र राज्याचे प्रभारी एच के पाटील यांनी शेतकऱ्यांच्या विरोधात कायदा करणाऱ्या शासनाचा जाहीर निषेध व्यक्त केला। शेतकरी हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे आणि हा कणा मोडून आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न दाखवले जात आहे। महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत शेतकऱ्यांचे मोठे योगदान आहे, मात्र केंद्र शासन शेतकरी विरोधी कायदे करीत शेतकऱ्यांवर अन्याय करीत आहे। पाहूयात ते नेमके काय म्हणाले ते। टेक्नॉलॉजी की द्वारा बढ़िया शेतकरी बचाओ आंदोलन कड़ी किया है। इसमें आपको अंदाज नहीं होगा कि 10 लाख से अधिक जरूर 10 लाख से अधिक जरूर लोग हमारे साथ हैं। अभी इसके लिए मैं बाला साहेब थोरट जी को, अशोक चव्हाण जी को और राजीव को मेरा अभिनंदन। महाराष्ट्र एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत आगे है। महाराष्ट्र किसानों ने भारत की ग्रीन रेवोल्यूशन हो या व्हाइट रेवोल्यूशन हो, ये सब में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उसका प्रशंसा राष्ट्र में सभी जगह पे है। मैं 3 कानून जो केंद्र सरकार पारित किया है उसके बारे में हमारा अशोक चव्हाण जी ने और बहुत सारे वक्ताओं ने डिटेल्स में बोला है। वो 3 कानून फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020, दूसरा है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एंड अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट और तीसरा है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट। ये 3 कृषक विरोधी कानूनों को लागू करने वाली केंद्र सरकार की कड़ी निंदा करता हूं। ये लाया गया 3 कानून भारतीय कृषि प्रणाली के ताने बाने को मिटाएंगे। ये बहुत विडंबना है कि वे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी यानी कृषि क्षेत्र को नष्ट करके आत्मनिर्भर भारत की सपना दिखाती है। इस महामारी कोरोना समय में किसने इस सरकार को, इन अध्यादेशों को पारित करने के लिए कहा? किसानों ने नहीं पूछा, एनडीए सहयोगी अकाली दल वो तो नहीं पूछा, लेकिन ये कानून किसके लिए लाया गया है? आप सबको समझ में आया होगा, मुझे तो ऐसे लगता है ये कानून जिन्होंने स्थिर सरकारों को गिराने के लिए
विधायकों को खरीदने में मदद किया भाजपा को, उसकी मदद के लिए वो बिजनेस हाउसेस के लिए एक कानून लाया गया है। जैसे कि आप सब जानते हैं, संसद के भीतर और बाहर तीव्र विरोध और हंगामे के बावजूद 20 सितंबर को राज्यसभा में कृषि क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले कानून पारित किया। हमारा राजीव सत्वा जी भी वहां थे। विपक्ष की सदस्यों द्वारा डिवीजन ऑफ वोट्स आह्वानों के बावजूद उन्हें ध्वनिमत से पारित किया गया, संसद की मर्यादाओं को मजाक बनाया। ये सब नजर में रखते हुए हमारा अधिनायकी कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी जी ने यह निर्णय लिया कि कांग्रेस पार्टी संसद की दोनों सदनों के माध्यम से और देश भर में किसानों की आंदोलन, किसानों की समर्थन में आंदोलन, इन तीन कानून विरोधी विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने के लिए दृढ़ संकल्प लिया। इन कानूनों का वापस लेने के लिए बहुत बड़ा दबाव डालना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी सब किसान के साथ तीनों कानून वापस लेने तक संघर्ष करेंगे। मैं दोहराना चाहूंगा कि हमारी माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जब गुजरात की मुख्यमंत्री थे, तब से किसानों की हित के खिलाफ है और सभी किसान विरोधी फैसले लिए हैं। बड़े बड़े कंपनियों को जमीन और आवश्यक सुविधाएं दिया है। ये जो दिन रात पसीना बहारे किसानों की लागत पर क्रोनी कैपिटल और बड़ी एफएमसीजी कंपनियों की हित के लिए उसकी समर्थन में कानून बनाया गया है। ये कानून निधि मंडियों को स्थापित करने के लिए शक्ति प्रदान करता है, जिससे छोटे किसानों पर बड़ा और बहुत बुरा असर पड़ेगा। एक कानून से जो हमको सामूहिक सौदेबाजी का अपॉर्चुनिटी था, अधिकार था, वो अधिकार खो देंगे। इन कानून से किसानों का आय बढ़ेगी। हम सब ये चिंता करना है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यदि हम बिहार की उदाहरण लेते हैं, जब से भाजपा गठबंधन 2006 से एपीएमसी को समाप्त कर दिया, तब से किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में उनकी उपज के लिए बहुत कम कीमत मिल रहा है। इसलिए अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि निधि संस्थापन संस्थाओं को जमींदारी हस्तांतरित करने की बजाय एपीएमसी को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। कोऑपरेटिव्स को मजबूत करना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रस्तावित मॉडल बिहार में और पश्चिमी देशों में विफल हो गया है, लेकिन केवल पूंजीवादी ताकतों की मदद करने के लिए इसे अब संपूर्ण भारत में लागू किया जा रहा है। जैसे आप जानते हैं, संविधान में कृषि और व्यापार राज्य की विषय है, स्टेट सब्जेक्ट्स है, लेकिन विधेयकों का पारित करने पहले राज्य से परामर्श नहीं किया जाता है। और जो किसके बारे में ये कानून है बोल रहे हैं, वो मुख्य लोग
जिनके लिए ये कानून बनाया गया है, किसानों का भी अपना चिंताओं का सुनने का अवसर नहीं दिया गया। ऐसी ये सरकार की नीति, और बोलने में बहुत अच्छा अच्छा स्लोगन्स देते हैं, जनता को गुमराह करने के लिए बहुत प्रयत्न करता है। 6-7 वर्ष में आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं सबकी अकाउंट में 15 लाख जमा करेंगे। आप सब यहाँ हैं, किसी का अकाउंट में एक पैसा भी आया क्या? तब से लोग इंतजार कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा झूठ किसानों को बोला, हम मान गए थे। प्रधानमंत्री बोले किसानों की जो आमदनी है, आदाय है, उसको दुगना करूंगा। किसी का आदाय दुगना हो गया? झूठ के बाद झूठ बोलना उनका आदत ही हो गई है। हमें तो पता नहीं इस देश को और कितना झूठ बोलेंगे और गुमराह करेंगे, लेकिन उनके झूठ और एक कृषि विरोधी कानून उनकी सरकार को नष्ट कर देंगे। वे कहते हैं कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। हम सब बहुत गंभीरता से ये बात देखना पड़ेगा। मोदी जी एक बार नहीं 10 बार बोल चुके हैं, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। लेकिन मोदी जी सब कुछ बिक्री पर रखे क्यों? बिक्री पर है किसान की भूमि, बिक्री पर है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज, बिक्री पर है ऑयल कंपनीज, बिक्री पर लाया है आप रेलवेज, इंडियन रेलवेज। तो उनका शब्दों का अर्थ क्या है? झूठ, बड़ा झूठ। हमारे देश की किसान, महाराष्ट्र की किसान प्रशंसा और प्रणाम के लायक है, निंदा और शोषण की नहीं। किसानों समर्पण और पसीने की आभार के साथ सम्मान के लायक है। बदले में ये सरकार उनका शोषण अपमान कर रही है, कहीं कहीं लाठी चार्ज कर रही है, और वो किसानों को कंपनियों की गुलाम बनाने में मजबूर कर रहे हैं। परंतु हमारे अधिनायकी श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सब किसान बंधुओं एक होकर ये तीनों कानून वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे। इस आंदोलन में बाला साहेब थोराट जी ने एक बहुत बड़ा घोषणा किया है कि इस आंदोलन में एक मेमोरेंडम में महाराष्ट्र की 1 करोड़ किसानों की हस्ताक्षर लेके सोनिया गांधी जी की द्वारा राष्ट्रपति जी को मेमोरेंडम अर्पित करेंगे। उससे हम कन्विंस करेंगे कि कृषक लोग, किसान लोग सब एक होके ये चाह रहे हैं कि तीनों कानून वापस लेना है। ये तीनों कानून वापस लेने तक हम संघर्ष जारी रखेंगे। आपके साथ, किसान के साथ कांग्रेस पार्टी सर्व तरह से सहकार देके, आपकी सहकार लेके ये कानून को वापस लेने के लिए सब कोशिश करेंगे। और एक बार मैं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी को इतना बहुत बड़ी परिणामकारी और अच्छा सम्मेलन, ये जो शेतकरी बचाओ रैली आयोजित किया उसका यशस्वी हुआ, इसके लिए
वो सबको मेरा अभिनंदन, आभार, नमस्कार। हा क्या ज्याला नवीन वेब सीरीज बघायला मिळत नाही रे चांगली कुठली? काय राव सांगके, त्यासाठी मुक्तागिरी एंटरटेनमेंट चॅनलला सबस्क्राईब करावं लागतं, त्याच्यावर नवनवीन वेब सिरीज येणार आहेत। अजून काय काय येणार? अरे नवनवीन शॉर्ट फिल्म, नवनवीन गाणी आणि मनोरंजनाचं सर्व साहित्य तिथं मिळणार आहे। मग सबस्क्राईब तर केलंच पाहिजे। करणाला काय अरे आपण करतोय पण ह्यांना कोण सांगणार? तुम्ही पण करा, लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा, आणि ते काय बेल आयकॉनला दाबायला विसरू नका। काय मुक्तागिरी एंटरटेनमेंट चॅनल।